नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता हूं कि कल सारे इतने सारे आपके अच्छे कमेंट आए और आज अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस पहुंच करके सबसे पहले मैंने सोचा कि आज अपना सेकंड पार्ट मैं अपना वीडियो का शूट करूं, जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का। बच्चों, अगर हम पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें तो देखिए, इस चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना कम है और वेटेज ज़्यादा है। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ना थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इस चैप्टर का वेटेज कम है। अगर हम 2018 CBSE बोर्ड का पेपर, 2018 कंपार्टमेंट का पेपर एंड 2019 जो CBSE बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है इशूड बाई CBSE बोर्ड इट्सेल्फ, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स का है। हमने देखा था कि पहले चैप्टर का वेटेज जो था दैट वॉज 6 मार्क्स और इस चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स है। तो रफली मान करके चले हम कि 2019 7th मार्च को जो हमारा CBSE बोर्ड का पेपर होना है मैथ्स का, इसमें इस चैप्टर का वेटेज 3 to 4 मार्क्स का होगा। अब आप मुझसे ये पूछना चाहते होंगे कि इस चैप्टर का डिफ़िकल्टीज लेवल क्या है, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में कभी कभी CBSE बोर्ड पूछ देती है, लेकिन जो पहला चैप्टर था बहुत ही सिंपल ट्रैक पे था। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं इसका पहले, ठीक है। मैं हूँ बीके सिंह सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और उन सबको बोलिए जिनको वाकई में मैथमेटिक्स में नीड है, जिनको ज़रूरत है, जिनके पास अच्छा गाइडलाइंस नहीं है और जो आगे अच्छा करना चाहते हैं। आइए पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो मैंने बताया आपको कि वेटेज 3 मार्क्स का है। चलिए इसको प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला पार्ट, 2019 CBSE बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने सीखा भी होगा। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी इस चैप्टर में बात करेंगे। मे भी हो सकता है चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो, थोड़ा लंबे पीरियड का हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टोटल कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में मैं क्लियर करके आपको दूँ। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें जीरोज फाइंड करना है 5√5x², 8√5। तो आपको पता होगा कि 5√5 को 8√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 × 5 = 40 एंड 45 × क्या होगा, √5 × √5 करेंगे तो 5 होगा ना, दैट इज 200। तो इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 20 और 10 का फैक्टर लेंगे और इस तरीके से आप x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, आप निकालें। रूट वाले क्वेश्चंस थोड़े से स्लाइटली डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी अपने क्लास 9 से किया होगा, तो आप टीचर्स आप हेल्प लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटा छोटा बेसिक जैसे कि हेल्प करते चल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर टेक्निकल ज़्यादा दिक्कत आएगी वहाँ बिल्कुल आपको हेल्प करूँगा। तो ये 2019 जो है CBSE बोर्ड ने जो अपने क्वेश्चन जो रिलीज़ किया है उसमें 3 मार्क्स का वेटेज था। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अपने पेपर में इस क्वेश्चन का वेटेज केवल 1 मार्क का दूं, तो बहुत खुशी की बात है कि अगर CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके बल्ले बल्ले, दैट मीन्स कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन था। अब आते हैं कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपके 2018 सारे सेट्स में ही पेपर था कि अगर इसके जीरोज गिवन हो, 2+√3, 2−√3। अब चलिए या इस क्वेश्चन का लेवल मैं डिफ़िकल्ट लेवल में रखूँगा तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी में हॉट्स में देना चाहता हूँ, तो मैं एक कह सकता हूँ कि यह हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, CBSE बोर्ड एक कहती है कि ठीक है, या NCERT बुक में लिखा हुआ क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि जो ऑप्शनल की एक्सरसाइज हैं दैट इज़ नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे और अपने NCERT बुक को लेकर के बैठ जाइए और पॉलिनोमियल का ऑप्शनल आप देखिए, जब आप ऑप्शनल देखेंगे तो उस केस में ये ऑप्शनल का एक क्वेश्चन है। सेम यहाँ का डिजिट जो P(x) का पार्ट है वो मैच नहीं करेगा, वो मैच नहीं करता है, लेकिन ये पार्ट मैच करेगा और बिल्कुल उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखिए ना आप, NCERT ऑप्शनल का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है,
लेकिन सीबीएसई बोर्ड कहती है कि भाई हम ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, तो वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करें। मैंने जो मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ट्रायंगल में जो ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं वो कभी नहीं पूछे गए हैं, बाकी और जितने भी चैप्टर में ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं घुमा करके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो एक तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि ऑप्शनल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसमें हेल्प करना चाहता हूँ, अगर दो जीरोज आपके गिवन हो, मान लीजिए कि एक जीरो अगर आपके पास अल्फा गिवन है और एक जीरो अगर आपके बीटा गिवन है, तो उस केस में जो डिवाइजर होगा वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अगर आपके पास एक जीरो रूट टू है, एक जीरो माइनस रूट टू है, तो उस केस में जो डिवाइजर बनेगा एक्स माइनस रूट टू और एक्स माइनस प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस टू जो होगा वो क्या होगा, उसका डिवाइजर होगा। आप सब पढ़े भी होंगे, आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स ने भी इन क्वेश्चंस को जरूर हाईलाइट कराया होगा कि ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो डिविजन एल्गोरिथम के ऊपर जो बेस्ड हैं, जिसके बारे में आपने देखा भी होगा कि पी ऑफ एक्स जो होता जी आप डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इनटू ठीक है क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या होता है आर ऑफ एक्स होता है, ये आपने देखा भी होगा छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए 2018 में ही पूछा गया है और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक अगर आप कर दें तो 3 नंबर बड़े आसानी से आपके लूज हो सकते हैं। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है आपके आने वाले पेपर में, अगर जैसे 2019 सीबीएसई का सैंपल पेपर है और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर कोई तो इश्यूज है ही नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ट्रिक इसका क्या है कि अगर दो जीरोज गिवन हो तो डिवाइजर जो होगा दैट विल बी गिवन बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। अब एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस ब्रैकेट में टू माइनस रूट थ्री करेंगे तो इस केस में जो डिवाइजर आपका आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन आएगा। आप उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए और बाद में आप लिखिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर आप रिमेनिंग सारे के सारे जीरोज निकाल सकते हैं, उसको जीरो से इक्वलाइज करके एक्स की वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिएगा। बाकी अगर मेरे पास टाइम बचेगा, 15 फरवरी तक का मेरा टारगेट है कि ट्रेंड्स मैं कंप्लीट करूं, 15 टाइम बचेगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा करके भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता हूं अभी। चल 2018 कंपार्टमेंट देखिए, इसी डिविजन एल्गोरिथम से ही क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स जो डिविडेंड है एक तरह से यहाँ पर और दो रिमेनिंग जीरोस गिवन है, यह भी बात मैं करूँ तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी का अनसॉल्व का क्वेश्चन है कि अगर एक जीरो रूट अंडर फाइव अपॉन थ्री है और सेकंड जीरो नेगेटिव रूट अंडर फाइव अपॉन थ्री है तो उस केस में जो डिवाइजर जी ऑफ एक्स होगा वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री होगा। फिर p ऑफ x में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री से आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद याद रखिएगा रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा क्योंकि वो इसके जीरोज गिवेन है। फिर बाद में क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो ही होना है, क्वेश्चन को क्या करेंगे ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करेंगे तो दो जीरोस तो ऑलरेडी आपके पास था, रिमेनिंग जीरो बड़े आप आराम से निकाल सकते हैं। यह तो हमारे पास बच्चों ट्रेंड था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या प्रूफ है यह पेपर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा। अब चलिए अब हम डिफरेंट बात करते हैं, अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर इस पूरे चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला पार्ट हम डिवाइड करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस केस में 1 मार्क का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मार्क का आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है उस केस में कि अगर कोई आपके पास ग्राफ दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ग्राफ दे रखा है और पूछे कि इसके कितने जीरोज होंगे तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है कितने जीरोज होंगे तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू p ऑफ x का अगर आपके पास ग्राफ दे रखा है तो इस केस में हमारे पास कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर एक पहला पार्ट आपका 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड पार्ट में है कि आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा उसके कोएफिशिएंट के साथ, यह बहुत एक क्रूशियल पार्ट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 2019 सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज करी है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और यह आपके एनसीईआरटी बुक में भी है।
थर्ड पार्ट जो इसका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो देखा है अपने ट्रेंड्स को, ट्रेंड्स की बात मैं करूं तो हर साल डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। तो आई होप कि 2019 में भी डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई आपके पास एक पी ऑफ एक्स दे रखा होगा, एक जी ऑफ एक्स गिवन होगा। तो आपके पास पी ऑफ एक्स दे रखा है और जी ऑफ एक्स दे रखा है, डिवाइड करके यह भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन फाइंड कीजिए और रिमाइंडर आप फाइंड कीजिए। एक पार्ट तो ऐसा हो गया। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके पास दो टू जीरोज गिवन है, दैट मीन्स कि दो जीरो अगर आपके पास दे रखा है तो आपको रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसमें एक जीरो मान लीजिए रूट टू दे रखा है, एक नेगेटिव रूट टू दे रखा है, एक या तो एक रूट थ्री दे रखा है, एक नेगेटिव रूट थ्री दे रखा है, या जैसा अभी हमने 2018 का जो क्वेश्चन देखा कि टू प्लस माइनस रूट थ्री, दैट मीन्स कि एक जीरो टू प्लस रूट थ्री, एक जीरो टू माइनस रूट थ्री है। तो रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने, तो क्या देखा कि सबसे अगर हम स्टार रेटेड क्वेश्चंस की बात करें, फाइव स्टार की रेटिंग दे, तो डिवीजन एल्गोरिथम वाले टाइप को मैं बिल्कुल फाइव स्टार की रेटिंग देने की कोशिश करूंगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रिशियल पार्ट है आपके जो एग्जाम, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या देखा कि हमने एनसीईआरटी को अगर हम ले लें तो केवल तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जिसमें आपके ग्राफ दे रखे होंगे, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे, वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, दैट मीन्स कि उस केस में आप एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे। सेकेंड पार्ट हमने क्या देखा कि आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई आपने देखा होगा, आपके टीचर्स में काफी सारे क्वेश्चंस करवाए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस को जो सम ऑफ द जीरोस होगा दैट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड दैट इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अल्फा इनटू बीटा है दैट इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप जीरोस को फाइंड कर लेंगे, अल्फा और बीटा आपने निकाल लिया, फिर दोनों का सम कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि वहां जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, जहां पर बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और क्या क्या है ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट कीजिए और प्रोडक्ट को फिर आप वेरीफाई कीजिए कि वो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसी ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे ही कहूंगा क्यूबिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, क्यूबिक पे हालांकि स्टार लगाया हुआ वहां भी कि दैट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हो सकता है कि क्यूबिक पे भी पूछे जाएंगे। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में देखा कि क्वाड्रेटिक का डिग्री दो है तो उसके जीरोस भी दो हैं, रिलेशनशिप उसके दो हैं, उसी तरीके से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ले लें, तो वहां पे तीन जीरोस निकलेंगे तो रिलेशन भी वहां पे क्या होंगे, तीन होंगे। आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा जो होगा ठीक है ओ सी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये तीन उसके रिलेशनशिप है ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक क्या करा था वैसे वहां पे कर सकते हैं। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास दो जीरोस गिवन है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन आ सकता है। तो ये आपने देखा होगा के अंडर ब्रैकेट ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है एस एक्स प्लस बी, जहां पर एस क्या होता है सम ऑफ द जीरो और पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले आप क्या कीजिए जीरोस का सम निकाल लीजिए, फिर जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, निकालने के बाद आप क्या कीजिए उसके जनरल फॉर्म पे पुट कर दीजिए जहाँ पे कि कोई रियल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या देखा, अगर आपके पास जीरोस गिवन हो और फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर टू प्लस रूट थ्री है और एक जीरो टू माइनस रूट थ्री है, तो ऑब्वियसली यहां भी आप क्या करेंगे सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकाल करके जो उसका जनरल फॉर्म है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, या एस को आप अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है दो अलग अलग जीरोज हैं। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्यूबिक के केस में भी आपके पास आ सकता है कि भाई आप रिलेशन को वेरीफाई करो, या अगर मान लीजिए क्यूबिक के केस में अगर आपके पास तीन जीरोस गिवन हो अल्फा बीटा और गामा, और यह भी आ सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करें, तो उस केस में एक्स क्यूब याद रखिएगा एक फॉर्मूला है मैं बता रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। तो पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, अगर आपके पास तीन जीरोस थ्री जीरोस गिवन हो और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कैसे पार्ट को डिफाइन कर सकते हो। दो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों क्वेश्चन आते हैं, बस मैं वो लास्ट के पार्ट में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब क्या आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास अगर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, और अब आ सकता है कि इवेल्युएट करने के लिए आ सकता है, कुछ ऐसे वैल्यूज आते हैं इवेल्युएट करने के लिए आ सकता है। सबसे पहला आ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा, सेकंड आ सकता है कि अल्फा इंटू बीटा, अच्छा थर्ड आ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर फोर्थ आ सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा अभी आपके इस पार्ट में, ठीक है। ये आ सकता है, उसके बाद एक ऐसे भी आ सकता है कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, या सिक्स्थ में एक आ सकता है कि अल्फा अपॉन बीटा एंड प्लस क्या आ सकता है बीटा अपॉन अल्फा। ये बहुत ही बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए इस सारे वैल्यूज इवेल्युएट करने के, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। तो आपके पास देखिए पॉलीनोमियल जो हमारे पास दे रखा था वो क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स की सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो ए क्या बचेगा फाइव आएगा, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, दिस इक्वल्स टू सिक्स होता है। तो ए अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, दो का तो वैल्यू हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू अगर निकालना हो तो इन वैल्यूज का हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर मान लो ऐसा कोई पार्ट आ जाए कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का वैल्यू निकालो आप, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा क्या है और फाइव अपॉन सिक्स इसका आंसर आ जाएगा। या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि अल्फा स्क्वायर एंड प्लस क्या आता है बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बच्चों को दिक्कत आती है, तो इस केस में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि आप यूजुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसी फॉर्मूले से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लें तो 2ab को आप इधर शिफ्ट कर दोगे, दैट मीन्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ऑन प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर थोड़ा पेपर अगर आपका डिफिकल्ट आता है तो। अब अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला था, 5 निकाला था, तो ए आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6, दैट मीन्स कि 25 माइनस 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 13 के इक्वल आ गया। तो क्या देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने एक नया चीज़ सीखा, ठीक है। सेकेंड में अगर मान लो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अगर इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए एग्जाम में अगर आ जाए, तो चल इसका भी एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, और इसी से अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के वैल्यू को फाइंड करें इवेल्युएट करें तो इस टर्म को हम क्या करेंगे इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे बनेगा ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। आपने देखा क्या कि मैं जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मैंने क्या किया सम के फॉर्म में, ए सम हो गया, ए क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, और ए क्या हो गया सम का, सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सम जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई ए निकल चुका है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो प्रोडक्ट क्या कर चुके हैं हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब अगर इनका हम आंसर फाइंड करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ रहा था चेक करो, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 5 आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा 6 आ रहा था, तो ए क्या होगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो गया 6 इंटू क्या हो जाएगा 5, दैट मीन्स कि 5 का क्यूब 125 होता है एंड 6 5 जा 30 या 33 जा 90 होगा, नहीं तो इसका आंसर जो हो गया वो 35 के इक्वल हो गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक अपने नया चीज़ देख लिया कि अल्फा अगर ऐसा वैल्यूज इवेल्युएट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाए
तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को आप याद रखिएगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंस टाइम कम है इसलिए बहुत डिटेल्स में तो नहीं बता सकता। अब एक फॉर्मूला आता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का भी मैं एक आइडेंटिटी बना रहा हूँ। हम जो लिखते हैं बच्चों वो क्या लिखते हैं कि ए माइनस बी का, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखते हो, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे आप ऑलरेडी लिख चुके हो, पहले क्या लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखे हो, लिखे हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए भी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए भी, ये इस पार्ट का है, मतलब कि हमने निकाला जो इस पार्ट का फॉर्मूला है। और एक हमारे पास माइनस टू ए बी भी है, माइनस टू ए बी भी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, फोर ए बी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे अगर ए माइनस बी निकालें तो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस फोर ए बी के इक्वल आएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। तो जिन बच्चों को 95, 98, 100 का टारगेट लेकर जो चल रहे हैं उनको थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस खास करके पॉलिनोमियल चैप्टर में करने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर का वेटेज कम है लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी इसमें घुमा करके पूछे जाते हैं। अब चलिए, हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना था, तो ये प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था आपके पास, 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या था, 6 था, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस ये क्या बनेगा, 25 माइनस 24 दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए 1 के इक्वल जो होगा इस पार्ट का आंसर होगा। तो एक देखा आपने कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा कोई अगर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन हो और उसमें कुछ बहुत सारे वैल्यूज को इवेलुएट करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको गाइड कर दिए कि एक तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, एक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और एक जो थर्ड पार्ट है अल्फा माइनस बीटा दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। एक जो लास्ट पार्ट में आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मान लो एक पॉलिनोमियल है आपके पास पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, ठीक है ना, और कह रहे कि इसके जीरो अल्फा एंड बीटा इसके जीरो दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो कह रहे कि एक और पॉलिनोमियल बनाओ, फॉर्म अनदर पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, ठीक है, अल्फा प्लस वन, या ऐसा लिख लो आप जिसके जीरो जो हैं, ठीक है, जिसको जीरो है, एक जीरो अल्फा स्क्वायर है और एक जीरो क्या है, बीटा स्क्वायर है। आई होप क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप, और आपने किया भी होगा जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, कि करे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, देन फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पेपर टफ है तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि रिस्क जो, या तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट भी इस चैप्टर से आ सकता है। इस चैप्टर का ट्रेंड यही, वेटेज बहुत कम है 3 मार्क्स का, ठीक है, बहुत ज्यादा हो तो 4 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, आप बताइए बच्चों, जब अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो आप इस केस में अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, है ना, वो माइनस बी बाई ए होगा, दैट मीन्स कि 5 के इक्वल होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 6 के इक्वल होगा, होगा ना। अब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर एक जीरो हो और बीटा स्क्वायर एक जीरो हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो चलो भाई, अब हमारे पास जीरो जो है इनका सम निकालेंगे हम पहले, तो सम निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, दैट मीन्स कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, ये क्या होगा 25 माइनस 12 एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा 13, आ गया सम आ गया इसका। अब चलिए प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होगा बीटा स्क्वायर, एंड दैट इज अल्फा बीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा क्या है 6 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू क्या हो गया 36 हो गया। अब देखो हमारे पास सम क्या आया, 13 आ गया, प्रोडक्ट क्या आया 36 आ गया।
अब हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करना हो तो उसका क्या बताया था आपको ट्रिक मैंने, क्या बताया था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अब हमें फॉर्म करना हो तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था कि ठीक है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर एस क्या है सम ऑफ द जीरो, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस क्या हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस थोड़ा आप प्रैक्टिस जरूर करके आप रखिएगा अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना आप चाहते हैं तो। चलिए ये तो था आपका 25 मिनट्स का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा, अगर हम बहुत डिटेल्स में चले तो काफ़ी डिटेल्स में चले जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार आपको दोहराना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि पॉलीनोमियल चैप्टर 3 मार्क्स का वेटेज होगा, याद रखिएगा सेकेंड पार्ट। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देखें तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं, एनसीईआरटी के अलावा बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलीनोमियल, उस केस में ग्राफ आ सकता है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई इट्स जीरोज विद इट्स कोएफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे 2019 सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करी है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और 3 मार्क्स का वेटेज है, बड़े अच्छे वेटेज के साथ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास जीरोस गिवन होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सिंपल है कि अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर एस होगा सम ऑफ द जीरो, पी होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो थर्ड केस में जो हमारे पास है कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल, तो डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यूजुअली 90% केस में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं। 2018 में जो क्वेश्चंस था एनसीईआरटी ऑप्शनल का क्वेश्चन था, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन था और ऑप्शनल में यूजुअली ये कहा जाता है कि ऑप्शनल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाहर से आएंगे, आप चेक कर सकते हैं, मैं प्रूफ के तौर पे भी आपके साथ क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2018 कंपार्टमेंट में रूट अंडर 5/3 और रूट माइनस नेगेटिव रूट अंडर 5/3 अगर दो जीरोज गिवन है तो रिमेनिंग जीरोज फाइंड करने का आया था, वो भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अनसॉल्व वाले पार्ट का क्वेश्चन था और 2019 का देख लिया। तो तीनों को ट्रेंड्स को अगर हम मिलाएं तो 3 मार्क्स का वेटेज हमारे पास हो सकता है, प्लस माइनस 1 या 2 नंबर हम और भी इसमें रख सकते हैं। बाकी क्या मैंने बताया कि अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल के केस में कि 3 जीरोज होंगे, वहां भी 3 रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो तीनों रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके पास 3 जीरोज गिवन है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल में 3 जीरोज होंगे, ठीक है, और उसके रिलेशन भी क्या होंगे, 3 होंगे, तो भी मैंने आपको चीज़ बताया। फिर मैंने 2 नई चीज़ें आपको बताई कि अगर अल्फा और बीटा अगर जीरोज़ हैं तो हमें इवेल्युएट करना है बहुत सारे वैल्यूज़ को, उसमें 3 नई चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा माइनस बीटा जो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होगा। फिर मैंने एक लास्ट में सेक्शन बताया जो हायर ऑर्डर का क्वेश्चन होता कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस गिवन हैं तो अब हमें फिर से फर्दर को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है जिनकी जीरोस दे रखे हों। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास गिवन है उनसे क्या करें, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को आप फाइंड कर लें, राइट, वो दोनों निकाल लीजिएगा। फिर जो 2 जीरोस गिवन है उनका आप सम निकालें, उनका प्रोडक्ट निकालें, उसमें जब वो निकल जाएगा फिर उसको क्या कीजिए, जनरल फॉर्म के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, मैं हूं बीके सिंह सर, प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली देर से जरूर आया लेकिन दुरुस्त आया हूं, और ध्यान रखिएगा तो अगर जिंदगी सही सलामत रही सब कुछ ठीक रहा तो वीडियोज बिल्कुल टाइमली मैं अपलोड करता रहूंगा, और आप सबके चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहता हूँ, भगवान आप सबको बहुत 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 हिम्मत मेहनत करने की हिम्मत दे, आप सबको आने वाला टाइम बहुत आपके लिए क्रूशियल है, तो मैं यही कहूँगा खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से आप पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का नाम खूब रोशन कीजिए जिंदगी में, आपके ज़िंदगी का पहला बोर्ड है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें बहुत अच्छा करके इस बोर्ड के साथ आएंगे, पहला पेपर ही आपका मैथ्स का है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पहला पेपर आप बिल्कुल धूम मचा करके आप करेंगे ताकि आने वाले सारे पेपर्स आपके बहुत अच्छे जाएं। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स सबको बोलिए, जो नीडी लोग हैं उनको भी बोलिए, ठीक है, और उनको वीडियो दिखाइए भी ताकि उनको भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपको हमेशा अपने आप से कम्पीट करना है, दुनिया की बात कम सुननी है, बेकार की पढ़ाई कम करनी है, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, केवल ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए और अपने पढ़ाई के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अपने टैलेंट को आप पहचानिए, ठीक है। चलिए कल अगले
अगले वीडियो नए वीडियो के साथ, कल भी मैं आपके साथ आऊँगा। वीडियोज़ को बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए जहाँ पर दिक्कत हो, और 15-20 दिन के अंदर मैं अगर ट्रेंड्स कंप्लीट कर देता हूँ तो आगे हर चैप्टर से कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।